सो गाइस अब देखिए सतलुज कितनी पास आ गई है हमारे। ओहे इतनी नज़दीक नहीं जा सकता भाई मैं। ओहो कितनी गहरी खाई है यहाँ से। यहाँ पे देख रहे हो गाइस माउंटेन कितनी खतरनाक हो गई है, रास्ते कितने नैरो हो जाएंगे आगे चलते चलते। गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम जावली के पास। मुझे कुछ खाया नहीं मिलेगा, तो यहाँ विवर्स नहीं किया और सिर्फ चाय पी के निकले थे। वही सब सो गाइस अभी ब्रेकफास्ट किया है हरीश भोजनालय से और हमने अपना गोप्रो भी चार्ज कर लिया। यहाँ पर लगे हाथ मेरे को, मेरी बैटरी तो डेड हो गई थी। मुझे लगा मैं दोनों बैटरी चार्ज कर रखी है बट लेकिन मेरी एक ही बैटरी चार्ज थी, एक डिस्चार्ज थी ऑलरेडी। तो इस कंफ्यूजन में हुआ जो भी हुआ ये। कैसे उड़ेगी ये, ब्रेक मार ली। चलो गड्डी में आज वजनदार गड्डी हो गई है। सो गाइस भी गाड़ी करने वाली हो गई थी, खाना खाने के बाद जान ज्यादा आ गई। हरीश भोजनालय से निकल रहे हैं गाइस, अभी हम रुके थे जावली के पास, निकल गए हैं भाई जावली से हम। सो गाइस खाना पूरा खा लिया अभी हमने, जस्ट अभी कंप्लीट किया खाना। और भाई का खाना बहुत अच्छा था। और यहाँ से जो रामपुर रह गया कोई 40 के आसपास रह गया गाइस रामपुर, यहाँ से उड़ते हुए जाएंगे। यहाँ से ब्रेक सीधा हमारी रामपुर के बाद या रामपुर से पहले लगेगी कहीं। अब तो मिलते हैं गाइस फिर आगे, आपको फिर करेंगे अपडेट। टारगेट ये है कि रामपुर से आगे कहीं स्टे की जाए, और सेकंड टारगेट ये है कि शायद हम चिटकुल जाएंगे गाइस आज, आज नहीं तो या कल सुबह जाएंगे। देखते हैं जो भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। तो जस्ट अभी निकले हम खाना खाकर, और गाइस जो हम आए हैं वो ऊपर से आए हैं वहाँ से नारकंडा से, वो ऊपर ऐसे होते 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 नीचे उतरे हैं पहाड़ों से, तो ये ऊपर नारकंडा ही है। और अब हम जाएंगे इस साइड को पीछे। ओए ओए बच गया, अभी गिरने वाला था, आपको व्यू दिखाने चक्कर में अभी मैं। और ये देखिए व्यू, जबरदस्त माउंटेन्स, खतरनाक व्यू है गाइस, एकदम मस्त। अभी तो किन्नौर के जो माउंटेन आगे आगे आपको और ही जबरदस्त लगेंगे, जबरदस्त लगेंगे वो भी खतरनाक, दिल को जला देंगे आपके वो माउंटेन्स ने, खतरनाक है किन्नौर वाले। तो इसमें तो हरियाली काफ़ी है ना, वो तो बिल्कुल सूखे पहाड़ होंगे, सूखे खुश्क पहाड़। सो गाइस तब तक आप ये नज़ारे इंजॉय करें आप, क्या जबरदस्त नज़ारे आ रहे हैं ये देखिए। अभी हम ऐसे घूम के उस रोड से जाएंगे ऐसे। अब नीचे आ जाएगी सतलुज, अब ये साथ चलेगी हमारे सतलुज, रामपुर तक है जल्दी रहेगी सतलुज, बस ये जुड़ने वाली है सतलुज यहाँ से, ये रामपुर रोड से लेके फिर नागपुर तक जाती है, पूर तक साथ चलती है हमारे, उसके आगे फिर अलग हो जाती है सतलुज। और मंडी का रास्ता करता गया यहाँ से, मंडी 152 किलोमीटर है और रामपुर रह गया 30, ये रास्ता गया नीचे हुआ, ये मंडी गया है, मंडी कुल्लू जा सकते हो आप यहाँ से, ये रास्ता गया नीचे ना, तो आप यहाँ से मंडी जा सकते हो। तो आपको पाया शिमला घूम के जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से सीधा निकल जाएगा रास्ता मंडी के लिए। और अब हम जाएंगे यहाँ से, कौरिक है यहाँ से 255 पू 180। चलो अभी तो हमने यहाँ जाना ही नहीं है आज, तो हमारी डेस्टिनेशन रामपुर से थोड़ी आगे होगी, देखते हैं रामपुर से आगे कहाँ रुकते हैं पहुँच पाते हैं। अभी तो हमने स्पीड खींची हुई है पूरी। और गाइस ये सतलुज हमारे साथ चलेगी, अब सतलुज आ गई नीचे, वो देखिए नीचे नदी है, ये सतलुज है, सतलुज नदी अब ये हमारे साथ साथ चलेगी।
पू तक जाती है, पू से आगे तक जाती है हमारे साथ साथ। गाइस रामपुर पहुंचने वाले हैं, 10-12 किलोमीटर रह गया रामपुर यहाँ से। तो रामपुर में जो मौसम है गाइस काफ़ी प्रेजेंट है, इतनी गर्मी नहीं है ना ही ठंड है, एकदम मस्त मौसम है यहाँ पे। और ऊपर नारकंडा में तो बर्फ़ गिरी थी, आपने देखा ही था आज की वीडियो में, तो वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ गिरी थी, यहाँ पे इतना नहीं है ठंडा। और बाइक भी मस्त चल रही है यहाँ पे ना, ठंड लग रही है बाइक पे, वहाँ तो बाइक ही नहीं चल रही थी, ठंड हो रही थी बाइक पे, तो सर दर्द लग गया था मेरा तो ठंड के कारण। रामपुर रह गया है 24 किलोमीटर, यानी कि 20 मिनट लग जाएंगे, 20-25 मिनट रास्ता है यहाँ से। और खूबसूरत माउंटेन्स के आप लुफ्त उठाइए तब तक। और साथ में चल रही है हमारे सतलुज नदी, सतलुज रिवर है ये हमारे साथ जो चल रही है, साथ साथ चलेगी अभी हमारे रोड के, किन्नौर तक हमारे साथ जाएगी अभी ये। और रोड एकदम मक्खन है गाइस आपके सामने, और ये है हम, मेरी परछाई दिख रही होगी आपको क्या बात है गाइस। और बाइक जा रही है समय 80-85, बहुत 80-85 की स्पीड गाइस। तो गाइस अब देखिए सतलुज कितनी पास आ गई है हमारे, ओहे इतनी देर देख नहीं जा सकता भाई मैं, ओहो इतनी गहरी खाई है यहाँ से। यहाँ पे इनको स्पोर्ट लगानी चाहिए कोई, अगर कोई गिर जाए नीचे सीधा ठा करके नीचे जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि सम टाइम क्या होता है रात को पता ही लगता, मोड़ भी खतरनाक है ना आगे से। और ये है सतलुज का पानी, ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन है सानी 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 सानी। मैं वेट कर रहा हूँ, अपने दोस्त शायद पीछे रह गए हैं, चलो आ जाएंगे। और ये ऊपर पुल भी है एक, उधर साइड जाने के लिए पुल बना हुआ है ये, और इसका रास्ता उधर से नीचे से आता है, वो उधर से आता है, और ऐसे यहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग हो सकती जाके, करने वाले करते हैं ये देखिए। तो ये उधर जाने के लिए पुल बनाया हुआ है, ये देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है गाइस, दिल मोह लेती है ऐसी जगह ना। व्यू देखिए सामने, हाँ क्या, ये तो वीडियो में आपको लग रहा होगा बहुत छोटा है, बहुत सामने लग रहा है ऐसे कोई चट्टान खड़ी है इतनी बड़ी, क्या बात है गाइस, ऑसम नज़ारे। सो गाइस यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल कर दें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, और जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ मिलती रहेगी राइड्स के रिगार्डिंग हमारी। और पानी देखिए, ओह क्या बात, चलते हैं अभी, अपने दोस्त आए नहीं हैं, आ जाएंगे, पीछे रह गए वो कहीं। और आप तब तक ये व्यू एंजॉय करेंगे गाइस, ऑसम व्यू है, ऑसम, दिल खुश कर दिया इन व्यूज ने तो, ओहो क्या बात है। ये देखिए गाइस, हा हा हा, ये पूरे मेरे हाथ जितना लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है माउंटेन। और ऊपर रोड भी जा रहा है ऊपर गांव के लिए, और ऊपर घर है बहुत सारे, और ऊपर टॉप पे भी घर हैं मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपको वीडियो में नहीं दिखेंगे, बहुत घर हैं ऊपर टॉप पर भी, देख लीजिए आप। खूबसूरत नज़ारे हैं गाइस, खूबसूरत। कारों वाले दिख रहे हैं, कोई बाइक वाला ही दिख रहा है, मुझे हैंडल टाइप कराना ना बाइक करना, एक कांप रहा है थोड़ा, ठंड लग रही है इसको। सो गाइस देख रहे हो कितना अच्छा ब्यूटीफुल वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से, माउंटेन के ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा आता हुआ। बाइक मैकेनिक कहाँ मिलेगा, बाइक मैकेनिक आगे, मैं इधर जा रहा हूँ, रामपुर मिल जाएगा। वाटरफॉल वाटरफॉल, ये देखो गाइस वाटरफॉल। और रामपुर रह गया गाइस यहाँ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रह गया रामपुर, बस मैंने बाइक का हैंडल टाइट करवाना है फिर निकलना है, क्योंकि हैंडल ज़्यादा ही कांप रहा है कुछ। बाय बाय, हो एचपी एचपी नंबर सारे एचपी, हो सो गाइस अभी यहाँ रुके थे हैंडल टाइट कराने के लिए, कसन अंकल पूरा लो जोर, ये लोकल ही है, नहीं नहीं वो है, पीपीएन है, धर्मशाला से आए,
धर्मशाला से आए हैं ये, धर्मशाला से आए हैं ये। हैंडल टाइट हो गया अब तो। मैं कह रहा था अंकल जी लूज हैंडल आप मान नहीं रहे थे, मैं चला रहा था ऐसे से हो रही थी। वेट भी है तो इतना वेट से मैं पहले भी लगी वेट लगा के पीछे, फर्स्ट अब भी गाड़ी ठीक चलती थी। टायर नया डलवा लिया, कोई पुराना टायर घिस गया था काफ़ी। आपके कितने हुए? 50। थोड़े काम कर लो नो, आपने तो कुछ 30 दे देते हैं आपको। हेलो अंकल जी, ठीक है। सो भाई टायर डलवा लिया हमने, ठीक है टाइट कर दिया ना, जाना भी दूर है काफी। भाई हवा डाल लो हवा चले। गाइस जस्ट अभी टायर पुआया हमने रामपुर में, ये रामपुर से पहले कोई जगह पड़ती है, क्या नाम है इसका, तो यहाँ पे अच्छी है जगह, काफ़ी मार्केट है हमें बाइकर्स की मोटो की। ये देखिए आपके सामने ही है मोचन, हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए गाइस आप भी। ये है हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा, कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये है इधर मंदिर हनुमान जी का। सो गाइस तो हम रामपुर एंटर हो चुके हैं अभी, तो ये नीचे सारी रामपुर सिटी है। रामपुर ये सारा नीचे गाइस दिख रहा आपको, तो ये सारा रामपुर है, तो ये सारी सिटी रामपुर है। और नीचे है सतलुज नदी, साथ साथ चलती रहेगी हमारे ये। सो गाइस ये है रामपुर, लगा हुआ यहाँ पे बोर्ड रामपुर का आप देख सकते हो। और अपने राइडर पीछे आ रहे हैं अभी। सो गाइस देखिए कितनी छोटी जगह में पूरी बस मोड़ दी है, ये होते हैं हिमाचल के ड्राइवर, जबरदस्त पूरी बस मोड़ दी छोटे से रोड पे इन्होंने। देवभूमि हिमाचल, बस का नाम भी देवभूमि है, तो छोटे से यहाँ से इन्होंने बस मोड़ दी है। हमसे तो कार ना मुड़े पर ये बस मोड़ के बैठ गए हैं। तो वरुण को निकलवाने हैं पैसे, वो पैसे निकलवा लेगा यहाँ से अपने। तो अभी हमारे गाइस मेन सिटी रामपुर के अंदर, ये रामपुर की मेन सिटी है जैसा कि देख सकते हो आप। शीतल कहाँ रह गया? चलो चांसल पास वाली मेरी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके चेकआउट करिए, वहाँ पे हमने दिखाया हुआ है सारा प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल भी कर देना सब्सक्राइब, अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइज। अभी हम कर रहे हैं रामपुर का बाजार क्रॉस, सामान वामान ले लिया है, बाकी आगे चलते हैं क्या होता है आगे देखते हैं। रामपुर तो पहुँच चुके हैं और टाइम हो गया शाम के, 4 बज गए हैं पूरे। चलो चलो माउंटेन्स एरिया में हमेशा पेट्रोल एक्स्ट्रा ही कैरी करें हमेशा, अगर आपको लगता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल कई बार ज़्यादा लग जाता है गाड़ी का ना, हिल एरिया होता है और माउंटेन्स में कई बार गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल पी लेती है, क्योंकि एवरेज कम निकलती है माउंटेन में। हम ज़्यादा गेयर्स अप डाउन ज़्यादा करते हैं, शिफ्ट ज़्यादा करते हैं प्लेन एरिया के मुकाबले, तो माउंटेन्स में ज़्यादा गेयर शिफ्ट होते हैं हमारे, और इंजन पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है माउंटेन्स में। लो जी होगी पेमेंट। सो गाइस पेट्रोल डलवा लिया अभी 650 रुपये का, तो बाकी यहाँ से अब देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं, रात हो जाएगी। अभी तो प्लान चिटकुल का देखते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, अभी रात हो जाएगी ना पहुँचते। 100 किलोमीटर होगा यहाँ से, कितना है सांगला, कितना यहाँ से 80 है, तो 20 किलोमीटर आ गया चिटकुल वहाँ से, पहुँच जाएंगे बगाए तो है ना। चिटकुल में चलो भाई, थैंक यू, ओके भाई फिर मिलते हैं। चलो जी गाइस पेट्रोल भरवा लिया, चलते हैं यहाँ से आगे अब। सो गाइस हम ज्यूरी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर तक, आधा किलोमीटर रह गया ज्यूरी यहाँ से, बस स्टार्ट ही हो चुका ज्यूरी, मेन सिटी आ गए अभी। तो ज्यूरी के बाद आएगा चेक पोस्ट जो आता है वो किन्नौर वाला, फिर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट से एंटर हो जाएंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और जो वहाँ के जो माउंटेन होंगे बड़े खतरनाक होंगे, आपको थोड़ी देर ये दिख रही है यहाँ से उनकी, अभी तो थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है, फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी ग्रीनरी गाइस, और ये ट्रैक वाला बड़ी मिट्टी उड़ा रहा है। निकाल ली है ट्रक से फिर आगे हमने, क्योंकि ये ज़रूरी था। और आगे जा रहा है हमारे वरुण नोटे, वरुण नोटे भाई साहब जा रहे हैं हमारे आगे आगे। सो लीजिए गाइस फिर हम पहुंच चुके हैं ज्यूरी में, ग्राम पंचायत ज्यूरी आपका स्वागत करती है ज्यूरी। यहाँ से एक रास्ता करता है सराहन के लिए, और जब हम लास्ट टाइम चांसल पास गए थे तो ये ऊपर रास्ता गया गाइस सराहन,
सरहान माता जी का टेम्पल है, ऊपर माता भीमकाली का टेम्पल है। आपने मेरी वीडियो देखी है रास्ता गया ऊपर, सरहान माता भीमकाली जी का टेम्पल है वहाँ पर। आपने अगर मेरी चांसल वाली सीरीज नहीं देखी है तो वो सीरीज देख लेना आप। तो ये था हमारा यूरी, हमने क्रॉस कर लिया। इसके बाद किन्नौर रिक्शे शुरू हो जाएगा, थोड़ी सी दूर यहाँ से चेक पोस्ट आएगा किन्नौर का। और टाइम हो गया शाम के, हो गया 4:38, पूरी खाई खाई चल रही है देख लीजिए आप। बस थोड़ी देर में हम एंटर होने वाले हैं किन्नौर। ओहो क्या बात है गाइस, व्यू देखिए आप माउंटेन्स के, दिल खुश हो जाएंगे। सो गाइस ये आ गया है बोर्ड, देवभूमि किन्नौर जिला में, जिला प्रशासन आपका हार्दिक स्वागत करता है। सो अभी गाइस हम एंटर होने वाले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से थोड़ी सी आगे एक चेक पोस्ट आएगी जहाँ से हमें पहले वापस मोड़ था। जब हम किन्नौरी जा रहे थे तब भी हम तो हमें वापस मोड़ दिया गया था वहाँ से। तो यहाँ से अब आगे थोड़ी सी आगे चेक पोस्ट आएगी। देख रहे हो गाइस माउंटेन कितनी खतरनाक होगी, और रास्ते कितने नैरो हो जाएंगे आगे चलते चलते। और आगे के रास्ते ये थोड़ा सा पैच है जो नैरो होगा, आगे फिर बढ़िया पैच आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा ऐसे ही। Shutterstock Music. एंट्री होगी, एंट्री चलो अभी करा लो, एंट्री करा लो कह रहे। चलो भाई अभी आते हैं एंट्री करवा कर, हम यहाँ पे सिर्फ नाम और एड्रेस पूछेंगे। एंट्री नहीं की हमने, बोल दिया हम यहाँ से आ रहे हैं सोलन के पास से, तो इन्होंने जाने दिया अभी। क्या हुआ अभी यहाँ रुके थे, मेमोरी कार्ड वगैरह रिप्लेस कर लिया, बैटरी रिप्लेस कर लिया, नया बैटरी का डाल दिया, डाटा बाद में कॉपी कर लेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। जस्ट हमने वहाँ से वो क्रॉस किया बॉर्डर, किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट देखा होगा अभी आपने। सो जस्ट अभी क्रॉस किया है, सो निकलते। सो गाइस ये देखिए छोटी सी सुरंग, छोटी सी टनल है ये, चीर के बनाई हुई है ये। और माउंटेन देखिए, अब किन्नौर के माउंटेन शुरू हो गए हैं, अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के गाइस ये। और ये डेंजरस लगेंगे काफ़ी आपको, ये देखिए इनकी जो लुक है देख रहे हो, काफ़ी डेंजरस आती है किन्नौर के माउंटेन्स की। जय हो तरंडा माता। सो गाइस ये माता जी का मंदिर है, तरंडा माता जी का मंदिर है, सारे माथा टेक लीजिए, बहुत फेमस मंदिर है अभी माता जी का यहाँ पर। किन्नौर के लोग बहुत मानते हैं इस माता जी को। जय हो माता तरंडा जी, ये ऊपर सामने दर्शन के लीजिए माता जी का चले। तो जय हो माता टंडा जी, आपने ये राइड अच्छे से करवानी है पूरी, हम करके वापस आ जाएं। अब दो तीन माताओं जी के हमने आशीर्वाद ले लिए हैं, माता चिंतपूर्णी का भी ले लिया है, माता क्या बोलते काली माता का ले लिया है वहाँ से हाटू पीक से, और ये माता टंडा का भी ले लिया आशीर्वाद। सो बस अब जल्दी से हम पहुँच जाएँ, रात होने वाली है, रात हो ही गई है ऑलमोस्ट, होने का वाली है। तो ये रास्ते आपके सामने कितने डेंजरस हैं वो तो देखिए, माउंटेन के बीचों बीच आएंगे, ऊपर छत माउंटेन की है ये देखिए। काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में ये रास्ते ना कैमरे में, और ड्रोन शॉट उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। और आगे जा रहा है अपना वरुणा, वरुण नट्टे। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा शलश भी है। सो गाइस अभी जो ये जगह आई है इसका नाम है वांगतू, वांगतू आ गया ये वांगतू। ये थ्री इडियट वाली फिल्म का वांगतू नहीं है, ये जगह का नाम है वांगतू, हुनसुख वांगतू नहीं है, इस जगह का नाम ही वांगतू है, वांगतू। और देखिए करचम वांगतू HEPS 1000 मेगावाट, तो 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है यहाँ पर। सो इस जगह का नाम है गाइस कौशल, वांगतू कौशल बांध। सो गाइस जस्ट वी आर रीच्ड ऑन टापरी, टापरी पहुंच चुके हैं हम। तो अभी हम गाइस जस्ट रीच्ड ऑन टापरी, ये आया व्यापार मंडल टापरी, आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब शीतल कहाँ रह गए यहाँ पे, चलना आगे कि यही स्टे करनी है, है? यही सीधा रास्ता
आगे से कट गया करचम के पास से, थोड़ा आगे अभी करचम। ठंड तो लगी ना वैसे, ठंड तो नहीं है, ठंड इतनी नहीं है वैसे, काफ़ी डाउन में ना हम। तो गाइस जस्ट अभी रीच हम टापरी में पहुंच चुके हैं, ये देख सकिए ये टापरी। लास्ट टाइम जब आए थे हम इधर रुके थे, पीछे एक होटल है पगमार्क करके होटल है नीचे, तो यहीं रुके थे जब मैं काजा गया था। तो काजा की वीडियो चेक कर लीजिए गाइस, लॉस काजा स्पीति के नाम से मैंने प्लेस मार रखी है, स्पीति वैली 2090, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए गाइस। सो गाइस अभी आ गए हम सांगला वाले रूट पर, जैसा कि आप देख सकते हो। सो गाइस चले फिर, सांगला यहाँ से रह गया है कोई 19 किलोमीटर। सो लीजिए गाइस अभी हम जस्ट अभी रिच हुए हैं होटल रॉक व्यू में, यह है होटल का नाम, और ये पार्क है हमारी बाइकें, सामान हमने ऊपर रख दिया है। मेरा गोप्रो की बैटरी होगी थी ख़त्म, तो इसलिए मैं हो गई थी इसकी बैटरी डाउन गोप्रो की, जस्ट अभी रिच हुए हैं हम, ये भी अपनी बाइकें पार्क हो गई हैं, और यह है कुछ होटल। तो चलते हैं अभी ऊपर, आपको रूम भी दिखा देते हैं एक बार कैसा है, और यह है डाइनिंग हॉल, यहाँ करेंगे हम डिनर, और जस्ट अभी चल रहे हैं ऊपर। हाँ जी पहुँच गए जी, पहुँच गए लो जी, रूम जैसे ही पहुँच गए, सामान रखता है। हाँ जी तो भाई रूम कैसा है? बढ़िया रूम, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट गाइस ये है सांगला तुपका वैली, तुपका वैली, तुपका वैली, तुपका तुपका एक डिश भी यहाँ की पीने वाली, तुपका है क्या? तुपका है, वो तुपका ही बोलते हैं, तुपका तुपका भाई, कैसे बोलते हैं उसको, आवाज ऐसी है वर्ड का पता। गाइस अभी जस्ट पहुंच, तो गाइस वी आर रीच्ड ऑन सांगला, जस्ट अभी पहुंचे हैं, सारे अपने राइडर सीकलो भी पहुंच गए हैं, और अपने ये वरुण भाई पहुंच गए हैं। सो जस्ट आगे का देखते हैं क्या प्लान बनता है, यहां से चिटकुल जाएंगे, सुबह प्लान बनेगा हमारा चिटकुल का, तो सुबह मिलेंगे आपको चिटकुल। तो अभी सेफली हम सब पहुंच गए हैं अभी अपने सांगला से, थोड़ा पीछे 4 किलोमीटर भी देश में है रुके, अभी सांगला से 3 किलोमीटर पीछे है बस, यही आज जो डेस्टिनेशन आज का जो टारगेट था वो हमारा सांगला तक था, तो यही पीछे रुक गए, तो यहाँ पे रेस्ट हाउस मिल गया है, तो बस यही स्टे कर दिया, तो बस गाइस यही था। चेकआउट करें आप सबका चैनल भी देखें, ये तो एबीएस भाई है, तो सब्सक्राइब सबको करना है, और लाइक शेयर और सपोर्ट करना भाई सबको, आपको सपोर्टिंग अभी करते हो सबको, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे गाइस, आपका सपोर्ट और प्यार ही हमें इंस्पायर करता है अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ये मैं आ जाएगा ना फिर वो आज, हां सो गाइस फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में चिटकुल की राइड पर, तो टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल यू राइडिंग। बाय 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 बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।